हेलो गाइस, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो रिव्यू है वो है सोनेट को लेकर के। किया सोनेट में अपना नया जो रिसेंटली लॉन्च किया है किया ने RX एडिशन, इसके बारे में किस प्राइस पॉइंट पे मिलती है, क्या क्या फीचर्स, क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो आपको दिखाऊँ मैं इसका की फॉब, वही आपको रहने वाला है सेम जो आता है यूजली किया सोनेट के साथ। इधर अपना ये लॉक के लिए और यहाँ पे अनलॉक के लिए, और ये अपना ये होल्ड बूट ओपन टेलगेट से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसके, इसमें ये आपको पेट्रोल में मिलने वाली है, और इसमें आपको जो 1 लीटर का पेट्रोल का टर्बोचार्ज इंजन है वो आपको देता है 118 BHP, और साथ में 172 Nm का टॉर्क काफ़ी ठीक आपको मिलता है इसमें। बात करते हैं सबसे पहले तो इसके फ्रंट लुक की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपको RX एडिशन की बैजिंग मिल जाने वाली है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर ग्रिल में पियानो ब्लॉक के साथ। आपको हल्का सा ये थोड़ा सा रेड ट्रीटमेंट, और नीचे यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा ये ऑरेंजेस इसमें मिलने वाला है, और यहाँ पर सेम आपको ग्रिल रहने वाले हैं टाइगर नोज में किया की, और किया का नया वाला लोगो। और यहाँ साइड में हम देखेंगे हेडलाइट यूनिट, तो आपको ये LED में हेडलाइट मिलने वाली है। इधर ये इसके DRL और प्रोजेक्टर बेस आपको मिलने वाली है इसमें, फॉग लैम्प हेलोजन में। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है फ्रंट टोटल आपको। और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके का इसका प्लेट मिलने वाला है ग्लॉसी सिल्वर, और साथ में कुछ इस तरीके के बीच में आपको ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पर टोटल मैट ब्लैक आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट से काफ़ी लुक जो है इसका इनहेंस हो गया है काफ़ी आपको लुक्स में। तो पहले भी ये आपको फ्रंट से प्रॉपर SUV जैसा लुक्स मिलता था इसमें, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें स्पोर्टी सा लुक आ गया X-Line, GT-Line और साथ में अभी ये RX एडिशन। और बोनट लेआउट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का बोनट आपको मिलने वाला है यहाँ पर, इस तरीके के आपको क्रीजेस मिलने वाले हैं बोनट में। और यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो हम यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 वाइपर इधर, और यहाँ साइड में हम देखेंगे तो साइड में आपको मिलने वाली है IMT की बैजिंग, और साथ में यहाँ पर ये बॉडी गार्ड आपको और भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। साथ में यहाँ पर ये आपको मिलने वाला है इसका साथ में इंडिकेटर, और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से व्हील आर्च पे क्लैडिंग आपको मिलेगी, और यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलने वाला है अपोलो का टायर, 16 इंच का आपको टायर मिलने वाला है, कुछ मशीन का डला है व्हील। साथ में यहाँ पर देखेंगे हम तो कुछ इस तरीके का आपको ये बीच में किया का लोगो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में, अलॉय व्हील इसका 5 लंगर्स के साथ। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, और रियर में आपको इस तरीके के ड्रम ब्रेक मिलेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का टायर साइज रहने वाला है टोटल 215/60/16 का, तो काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका हलाएगा भी। और यहाँ पर हम नीचे देखेंगे साइड में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है ये सेम डिज़ाइन जो फ्रंट में आपने देखा था इसका प्लेट में वही, और यहाँ पर इस तरीके का ऑरेंज कलर में आपको ये स्टिचेस मिलेगा यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। साथ में एक लाइटिंग इसके साथ आपको प्रॉपर चली रही है, और विंडो ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा आपको मिलने वाला है। इधर आपको ये ग्लॉसी सिल्वर टच और ब्लैक के साथ आपको मिलने वाली है इसमें रूफ रेल। तो अभी बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियल में हम देखेंगे सबसे पहले आपको एक शार्फिन एंटीना, इधर ये इसका इंटीग्रेटेड सा स्पॉयलर साइड में हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर इसमें आपको नहीं मिल रहा, और ये कनेक्टिंग LED में आपको मिलने वाली है इसकी टेल लैम्प, साथ में ये रियर कैमरा यहाँ पर किया का लोगो, TGDI की बैजिंग, और साथ में सोनेट की बैजिंग। तो रियर लुक भी काफ़ी आपको प्रीमियम लगने वाला है, और सेम पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, 2 पार्किंग सेंसर, और यहाँ भी आपको इस तरीके का सेम पैटर्न रहने वाला है जो कि फ्रंट से लेकर के साइड पैनल पे भी आपको मिलता है, और यहाँ रियर में भी आपको मिलता है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर रियर में इसका प्लेट रहने वाला है इसका, और यहाँ पर इसका 45 लीटर का पेट्रोल टैंक, यहाँ से आप भरेंगे फ्यूल। तो अभी करते हैं इसके बूट की बात। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको रहने वाला है बूट स्पेस। यहाँ पर ये मैनुअली एडजस्टेबल पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी बूट में, साथ में लैंप भी मिल जाएगी, और 392 लीटर का आपको अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस में मिल जाता है, बट थोड़ा सा ये डीप में आपको रहने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके का आपको ये टो हुक मिल जाएंगे एक ही साइड में मिलने वाला, और स्पेयर व्हील की बात करूँ तो वो यहाँ पर आपको नीचे प्लेस मिलने वाला है, बट ये आपको मिलने वाला है 15 इंचज का, सेम साइज़ में आपको नहीं मिलने का, और स्टील भी मिलेगा वैसे गाड़ी के साथ आपको अलाए मिल रहे हैं। तो ये एक अपना बूट इस तरीके का रहने वाला है यहाँ पर। अभी करते हैं इसको क्लोज। तो अभी
बात करते हैं इसकी रियर सीट की। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का आपको रहने वाला है। ब्लैक और कुछ वाइट कलर का आपको थोड़ा सा ग्रेइश कलर का इंटीरियर इसमें मिलने वाला है। साथ में आपको लेदर और फैब्रिक मिक्स सीट अब उसकी मिलने वाली है। जी हाँ, फैब्रिक और साथ में लेदर। और डोर पैनल कुछ इस तरीके रहने वाला है रियर में। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये मैनुअली एडजस्टेबल आपको ये सन ब्लाइंड मिलने वाले हैं, ये आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच, यहाँ पर ये बोतल होल्डर, यहाँ पर ये स्पीकर की प्लेसमेंट, पावर विंडो स्विच। तो डोर पैनल काफ़ी आपको अच्छा लगने वाला है, काफ़ी प्रीमियम इसका लुक है। और यहाँ पर हम देखेंगे सीटिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको फैब्रिक मिलने वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसका लगने वाला है फैब्रिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी आपको प्रॉपर क्या स्पेस मिलता है वो बैठ के बात करते हैं। तो मैं अभी आ गया हूँ गाड़ी के अंदर। आगे वाली सीट काफ़ी पीछे हो रखी है और अच्छा खासा यहाँ पर नी रूम आपको मिल रहा है, डिसेंट साइज़ का। लेग रूम भी काफ़ी आपको मिल रहा है। थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। और रियर पैसेंजर को यहाँ पर ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं दोनों साइड, बीच में आपको ये रीडिंग लाइट मिल जाती है येलो कलर की। साथ में एसी के वेंट और यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर। और तीन एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तो ठीक, काफ़ी अच्छा रियर कैबिन है। और स्पेस की बात करूँ तो मैं आप इजीली आप यहाँ पर जो है 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं अगर देखा जाए तो। काफ़ी वाइड है सीट्स भी यहाँ पर। अभी बात करते हैं कोडाइवर साइड, तो यहाँ पर आपको सेम रहने वाला डोर पैनल, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर यहाँ मिल जाएगा आपको कोडाइवर साइड। और यहाँ पर ये स्पेस, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पर आपको रिक्लाइन और रीच का ऑप्शन मिल जाएगा कोडाइवर साइड सीट में। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कोडाइवर साइड। रिक्वेस्ट सेंसर की बात अगर मैं करूँ तो वो आपको रहने वाला है सिर्फ ड्राइवर साइड ही, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर। इस तरीके का आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है ड्राइवर साइड भी। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच वगैरह और ये पावर विंडो का स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, यहाँ ये अपना रिक्लाइन के लिए, इधर ये अपना हाइट के लिए, यहाँ पर रीच के लिए, और यहाँ से ये अपना फ्यूलेट ओपन करने के लिए, बोनट ओपन करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है ड्राइवर साइड भी। तो गाइस अब आ गया हूँ मैं गाड़ी के अंदर फ्रंट कैबिन में। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दिखाऊँ इसको आपको फ्रंट कैबिन कुछ इस तरह का। 8 इंच का आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है, सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस, इस तरह का IRVM आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगी रीडिंग लाइट येलो कलर में, सनरूफ के कंट्रोल, यहाँ से मैनुअली भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा सनग्लास होल्डर, काफ़ी स्मूथ इसकी ओपनिंग है। यहाँ पर वैंडी मिरर को ड्राइवर साइड, यहाँ पर भी आपको टिकट होल्डर मिलेगा ड्राइवर साइड, लेदर रैप, आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। साथ में मिलेंगे क्रूज के कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको MID वगैरह कंट्रोल, फ़ोन के कंट्रोल, वॉइस कमांड। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर ये टिल्ट फीचर के साथ आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। तो कुछ इस तरीके का, बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल रहने वाला है आपको। ये आपके AC वगैरह के कंट्रोल, यहाँ पर हैजार्ड का स्विच, ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है इसमें। ये आपका टच, इधर आप देखेंगे तो इसका रिस्पांस वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर ये रेडियो वगैरह के लिए, मीडिया के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसमें। आप यहाँ से ये वॉल्यूम के नॉब वगैरह, ये कुछ इस तरीके का AC का वेंट, तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, USB पोर्ट, और यहाँ पर भी ये आपको चार्जिंग के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस फ़ोन वगैरह के लिए, 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिल्वर आपको रहने वाला है, 2 कप होल्डर, यहाँ पर भी ये आपका हैंड ब्रेक, और यहाँ पर ये आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट में भी काफ़ी स्पेस है आपको, बट ये आपको स्लाइड फीचर के साथ नहीं आता। यहाँ पर इसका ये डिसेंट साइज़ का ग्लोव बॉक्स, और ये आपको कूल वगैरह नहीं मिलेगा। 4 एयरबैग इसमें आपको मिल जाते हैं इस वेरियंट के अंदर। यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहने वाला है टोटल डैशबोर्ड, और इस तरीके का आपको मिलने वाला है स्टीयरिंग, आपको दिखाई चुका हूँ। और यहाँ पर बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ पर देखेंगे तो ये अपना ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ पर ये हेडलाइट लेवलर, और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप, तो कुछ इस तरीके का रहने वाला। यहाँ पर ये वाइपर के कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल,
इसमें स्टेरिंग में भी आपको थोड़ा सा ये पियानो ब्लैक टच मिलने वाला है साथ में, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लॉस सा, और यहाँ पर ये सोनेट की वेजिंग, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है स्टेरिंग व्हील भी आपको इसका, और इंटीरियर भी काफ़ी इसका एक जिसे कहेंगे ना एक प्रीमियम लुक आपको देने वाला है कैबिन फ्रंट में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे पास है नहीं, वो एक अलग बात है। और यहाँ पर इसका ये फुली डिजिटल आपको मिलने वाला है एस्टोमेट क्रस्टर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर। तो गाइस यहाँ पर मिलने वाला है इसका 1 लीटर का टर्बो चार्ज GDI इंजन, जो आपको 118 BHP और साथ में 172 Nm का टॉर्क देता है। कुछ इस तरह का इंजन पे यहाँ पर रहने वाला है, बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहने वाला है। टोटल ये आपका ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए, फ्लूइड वगैरह के लिए, तो टोटल नीचे से आपको थोड़ा सा इसमें आपको इंजन गार्ड भी आपको मिल जाता है, स्लश वगैरह से आपको बचाएगा इजिली। तो कुछ इस तरीके का इंजन भी है, काफ़ी स्पेशियस है, अगर छोटी मोटी चीज़ें आप करना जानते हो तो आप इजिली इसमें कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल ऑरक्स एडिशन किया सोनेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस इसका जो आपको रहने वाला है ऑन रोड 13,50,000 का ऑन रोड आपको ये वेरिएंट पड़ने वाला है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको इसमें और दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे इंजन भी आपको बदल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल रहने वाला है ऑरक्स एडिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।